मेरा नाम अनुराग मंडल है और मैं टाटा नगर से हूँ। मेरे गले में बहुत खराश और कफ बहुत सालों से हो रही थी और यहाँ पर सारे डॉक्टर्स के हेल्प की वजह से मेरी ये खराश की बीमारी बहुत ही कम हो गई है और मुझे यहाँ के डॉक्टर्स सारे डॉक्टर्स को थैंक यू कहना है। मैं प्रेम जसवानी रायपुर छत्तीसगढ़ से आया हूँ और मेरे को यहाँ 7 दिन हो गए हैं। पूरा फैमिली सहित आए थे हम लोग और मेरे को प्री डायबिटीज और पेट का प्रॉब्लम था। पेट का प्रॉब्लम मेरा पूरा 100% ठीक हो गया। मैंने कोलोनोस्कोपी भी करवाया था, उससे काफ़ी फायदा हुआ। और मेरी मिसेज आई थी ज्योति जसवानी, उनको भी हाथ में और पैर में दर्द होता था, वो भी 100% ठीक हो गया है। और अर्पित बेटा था हमारा, वो हेल्थ के लिए मतलब ओवरवेट था, उसको भी काफ़ी रिलीज हुआ। हम लोगों ने 4 किलो, 3.5 किलो, 4 किलो वेट कम हुआ है और बहुत यहाँ के स्टाफ भी बहुत अच्छा है, उन्होंने हमें किया है। हर आदमी को हर 6 महीने 1 साल में आकर अपने शरीर को डिटॉक्सी करवाना चाहिए। मेरी एज भी 55 साल होने को आई है, इसीलिए मैं सोचा कि अभी बीमारी लगने के पहले ही एक बार शरीर को डिटॉक्सी करवा के और अपने आप को पूरे देश के लिए भी एक अच्छे ये रहेगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी, आपने बहुत अच्छा यहाँ पर लगाए हैं, यहाँ का खान पान बहुत अच्छा है। माई नेम इज़ मोहनदास रायकर, आई एम फ्रॉम गोवा। आई हैड कम हियर विथ माई सन फॉर हिज ट्रीटमेंट एंड दिस इज द फर्स्ट टाइम वी आर कमिंग हियर। आई लाइक दिस प्लेस वेरी मच, एवरीथिंग इज नीटली अरेंज, स्टाफ इज टू गुड एंड ऑल द फैसिलिटीज आर ऑल्सो वेरी एक्सलेंट। आई कैन से क्लीनलीनेस इज आउट ऑफ द वे एंड yeah, I feel like coming back again. And let's see now. I'm been taking this medicine regularly, and I will see the effect of the medicine. And most probably, we'll see you again in next year. मेरा नाम मालती गुप्ता है, मैं कलकत्ता से आई हूँ। यहाँ का ट्रीटमेंट बहुत ही अच्छा है, यहाँ के लड़कियाँ लोग का भी व्यवहार बहुत ही अच्छा है। मैं अपना ट्रीटमेंट के लिए जो जो जिस जिस तकलीफ के लिए मैं यहाँ आई थी वो तो सब अभी मतलब आज 7 दिन ट्रीटमेंट हो गया, अभी तक तो सब चला गया है। दर्द मेरा कंधे में दर्द था और बैक पेन था और थायराइड था, वो सभी में मेरा आराम मिला है। यहाँ के स्टाफ लोग भी बहुत हेल्पफुल हैं, सभी कुछ बढ़िया है। सुबह में बाबा जी का प्राणायाम होता है, बाबा जी भी बहुत सारे चीज़ बताते हैं जो हम लोग फॉलो करते हैं, और जो थेरेपी हम लोग लेते हैं वो थेरेपी भी बहुत अच्छा है। लड़कियां लोग थेरेपी देती हैं और उन लोग का व्यवहार, लड़का लोग का जो यहाँ का जो स्टाफ है उन लोग का बर्ताव बहुत ही अच्छा है। मैं तो यहाँ आकर बहुत ही सेटिस्फाइड हूँ और मैं औरों से भी कहूँगी जो यहाँ आकर ट्रीटमेंट कराएं और नेचुरोपैथी से जुड़े। मेरा नाम हितेश शर्मा है, मैं दिल्ली से हूँ। मैं यहाँ शुगर के लिए आया था, मेरा बॉर्डर लाइन शुगर था और सर्वाइकल था। सर्वाइकल का 1 हफ्ते में काफ़ी अच्छा मेरे को आराम मिला, काफ़ी पेन रहता था बट अभी पेन काफ़ी 50% पेन कम हो गया है और शुगर भी कंट्रोल में, बॉर्डर लाइन में से भी कंट्रोल में आ गई है। 3 बार शुगर टेस्ट हो चुका है, उसमें भी सारी चीज़ें पैरामीटर्स कंट्रोल में आए हैं और पेन में भी मुझे बहुत आराम मिला है। यहाँ पे आके मेरे को काफ़ी फ़ायदा मिला है और यहाँ की सेवाएँ बहुत अच्छी हैं, बहुत नीट एंड क्लीन, टॉयलेट वगैरह हर चीज़ नीट एंड क्लीन है और स्टाफ भी बहुत कोऑपरेटिव है। जहाँ पे भी हम गए वहाँ पे स्टाफ ने बहुत कोऑपरेट किया, तो मैं अगले साल दोबारा डिटॉक्स के लिए और अपनी ट्रीटमेंट कंटिन्यू करूँगा और अगले साल दोबारा डिटॉक्स के लिए यहाँ ज़रूर आना चाहूँगा। मेरा नाम अंकित है, मैं मुंबई महाराष्ट्र से आया हूँ। मेरे को अस्थमा की समस्या थी, तकरीबन 15 साल का टाइम हो गया। इसके साथ में बॉडी में पेन भी रहता था, बॉडी में एनर्जी का लेवल एकदम ही डाउन हो गया था, वीकनेस रहती थी। यहाँ 7 दिन से ट्रीटमेंट लिया, जो मैं पहले अनुलोम विलोम या श्वसन क्रिया 2 से 5 मिनट भी नहीं कर पाता था, अभी सुबह का पूरा 2.5 घंटे का सेशन इंजॉय करते हैं और उसके अंदर अनुलोम विलोम, भ्रामरी, कपाल भारती और जो भी दूसरे व्यायाम है सारे कंप्लीट करते हैं।
श्वसन क्रिया में काफ़ी इम्प्रूवमेंट है। 7 दिन में से एक भी टेबलेट लेने की ज़रूरत नहीं पड़ी जो मैं इंग्लिश दवाइयों की पहले लेता था, और अभी एनर्जी का लेवल है पहले से 100 गुना ज़्यादा बॉडी में फील कर रहे हैं। साथ में मेरी धर्मपत्नी रुचि है, उनको थायराइड का प्रॉब्लम था और बॉडी पेन में प्रॉब्लम था, जॉइंट्स पेन का प्रॉब्लम है। उनके जॉइंट्स पेन में काफ़ी आराम है, अभी छोटा मोटा जो भी है वो आने वाले टाइम में सही हो जाएगा। थायराइड का मेडिसिन भी पहले से रिड्यूस कर दिया है। यहाँ की जो भी फैकल्टी है, ट्रीटमेंट फैकल्टी में डॉक्टर साहब आ गए, ट्रीटमेंट देने वाले थेरेपिस्ट आ गए, इवन कैंटीन में सर्विस करने वाले भी आ गए, खाना जो सर्विस करते हैं, सबका व्यवहार काफ़ी उत्तम है, काफ़ी कोऑपरेटिव है, सब लोग हर एक चीज़ को तुरंत अटेंड करते हैं। और कोशिश यही रहती है कि किसी भी आदमी को कोई शिकायत का मौका नहीं मिले, और जो भी आदमी जिस भी समस्या को लेकर आए उनका समाधान उनको मिले। मेरा एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा है और मैं पतंजलि को वेलनेस को रिकमेंड करूंगा अगर कोई भी बंदा ट्रीटमेंट लेना चाहता है तो। मेरा नाम जसवंत सिंह है, मैं दिल्ली से आया हूँ। मैं डायबिटीज़ से परेशान रहता था, 2-3 साल से इसका ट्रीटमेंट करा रहा था, पर डायबिटीज़ ज़्यादा कंट्रोल नहीं हो पा रही थी और एलोपैथी की दवाई लेके थोड़ा परेशान सा भी हो गया था। तो किसी ने मुझे पतंजलि वेलनेस ट्रीटमेंट सेंटर के बारे में बताया, तो मैं यहाँ अपना ट्रीटमेंट कराने के लिए आया, और मैं थोड़ा ओवरवेट भी था। तो यहाँ आने के बाद मेरा जो डायबिटीज़ लेवल था वो काफ़ी कंट्रोल हो गया, और जब मैं आया था तो मेरा रैंडमली जो भी डायबिटीज़ रहता था 3 दिन में, जैसे 18 तारीख को आया का मेरा 100 था, 19 तारीख को मेरा 90 था, आज मेरा 87 डायबिटीज़ रहा। तो इससे मुझे डायबिटीज़ में काफ़ी फ़ायदा हुआ, और मेरा वेट जब मैं यहाँ आया था तो 84 किलो वजन था, और आज मेरा वेट 79.5 kg है, तो मेरा वेट में भी रिड्यूस हुआ है। ये सब यहाँ के ट्रीटमेंट और यहाँ पर जो बढ़िया सा स्ट्रक्चर बना रखा है, और जो यहाँ पर जो फैकल्टी है, और जो यहाँ पर ट्रीटमेंट करने वाले लोग हैं, और जो यहाँ पर मेन जो यहाँ पर प्रसादम में जो भोजन दिया जाता है जिससे हमारी जीव्या पर कंट्रोल रहती है, जैसे बाबा कहते हैं कि अपने जीव्या पर कंट्रोल करो तो आपका स्वास्थ्य में अपने आप सुधार हो जाएगा, तो उनके उसी बात का मेन फॉलो करके और उनके सिखाए गए योगों के द्वारा ही यहाँ पर सबको फ़ायदा होता है, वैसे ही मुझे भी फ़ायदा हुआ है। और मैं सबसे ये गुजारिश करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चीज़ का फ़ायदा लें, और जैसे मुझे लाभ मिला है वैसे भी आपको भी लाभ मिलेगा। मेरा नाम सचिन अग्रवाल, सूरत गुजरात से आया हूँ। मेरा टेक्सटाइल का बिजनेस है, और इंटरनेट के माध्यम से बाबा जी के माध्यम से यहाँ पता चला, तो मैं पूरी फैमिली के साथ यहाँ आया था। मेरे बेटे को स्किन का एटोपिक डर्मेटाइटिस था, और मैं वेट लॉस और गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम के लिए यहाँ हम सब रुके थे। यहाँ की ट्रीटमेंट अच्छी है, ट्रीटमेंट प्रोसेस अच्छा है, स्टाफ का बिहेवियर बहुत अच्छा है, और रेजिडेंशियल भी अच्छा है, साफ़ सफाई बहुत बढ़िया है, इन्वायरमेंट से लेके स्टाफ से लेके बाकी सब चीज़ बहुत बढ़िया है। मेरा नाम एलिना मिश्रा है, मैं ओडिशा राउरकेला से आई हूँ। मुझे बहुत सारी दिक्कतें थी, जैसे कि PCOD, सर्वाइकल हम्प और ओबेसिटी, और थोड़ा स्किन डिजीज़ भी था। यहाँ आने के बाद मैं डॉक्टर रोहित सोनी के अंडर में उन्होंने बहुत सारी थेरेपीज़ लिखी और डाइट चार्ट भी दिया था, तो थेरेपीज़ लेने के बाद बहुत सारी चीज़ें मेरी सही हो गई, जैसे कि वाइट डिस्चार्ज वगैरह होता था, और जो सर्वाइकल हम था उसका थोड़ा सा मतलब वो कम हो गया है, और पेन बिल्कुल भी है ही नहीं, और बाकी वेट लॉस मेरा 5.5 किलो के आसपास हुआ है विद इन 7 डेज। और थेरेपीज़ बहुत सारी ली, जैसे कि मड फुल बॉडी मड थेरेपी, और बालों के लिए केश कांति का जो कल्प लगाया था उन्होंने बालों में, और वाइब्रो ली थी, वाइब्रो के वजह से ही बहुत ज़्यादा फैट मतलब फैट रिलीज़ हो गया बॉडी से। बाकी खाने पीने का तो बहुत कंट्रोल था, सुबह को जैसे 2 गार्लिक ही मिलते थे बस, उसके वजह से तो मुझे लगता है उसके वजह से ज़्यादा इफ़ेक्ट हुआ है, बाकी सब तो अच्छा ही हो रहा है, अब ट्राई करेंगे घर जाके सब फॉलो करने का। मिताली मिश्रा, राउरकेला से आया हूँ। मेरा घुटने का बहुत दर्द था, वेट का प्रॉब्लम थे, उसके बाद मेरे को सिंगी लगाने से घुटने का दर्द बहुत अच्छा लगा,
और वेट के लिए भी वेट भी कम हुआ है, 3 kg कम हुआ है। और उसको भी अच्छा लगा जो मिट्टी थेरेपी किए थे, और सब कमर में भी दर्द था और दोनों पैर में सिंगी लगाए थे, चार आज कमर में भी लगाए हैं 3 ठो, तो उसमें बहुत फ़ायदा किया और मेरे को अच्छा लग रहा है यहाँ। मैं डॉक्टर नंदलाल जिज्ञास, वरिष्ठ प्राकृतिक चिकित्सक एवं योग विशेषज्ञ, राजकीय जिला चिकित्सालय लखनऊ से हूँ। विगत 3 दिनों से पतंजलि वेलनेस सेंटर तथा पतंजलि विश्वविद्यालय में आने और ठहरने का अवसर प्राप्त हुआ। ऐसे में हम ये कहना चाहेंगे कि पतंजलि वेलनेस सेंटर जो भारत का एक विश्व स्तरीय चिकित्सा संस्थान है, जहां योग, आयुर्वेद एवं प्राकृतिक चिकित्सा की उत्कृष्ट सेवाएं उपलब्ध हैं। विगत 3 दिनों में ये देखा गया कि यहाँ की जो आहार है, भोजन है, वास्तव में बहुत उत्तम है। पाचन पोषण और निष्कासन के दृष्टि से काफ़ी उपयोगी है। आहार में वो जो गुण होना चाहिए वो पाचन के दृष्टि से ठीक हो, निष्कासन के दृष्टि से ठीक हो, तथा यह जो है हर दृष्टिकोण से इसमें जितने भी एलिमेंट्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन्स, मिनरल्स, सब यहाँ मिलते हैं। भोजनालय का जो वास्तव में स्वच्छता है, यहाँ काबिले तारीफ है। यहाँ के जितने भी कर्मचारी हैं, खासकर जो साधक हैं, वे बहुत ही अच्छी तरह से अपनी सेवाएं देते हैं। मैं महाराष्ट्र जलगांव से आई हूँ। मेरा नाम अश्विनी नेमीचंद तेली है। मुझे स्काल्प सोराइसिस का प्रॉब्लम था। यहाँ पे आने के पहले मुझे मेरे स्काल्प के अंदर बहुत ज़्यादा पैचेस थे, पर मैं जब से यहाँ पे आई हूँ और मेरे स्काल्प पे जो गंजी टर्मरिक लेप करवा रहे, उस कारण मेरा जो स्काल्प सोराइसिस से 50% तक अब मुझे उससे रिलीफ मिल गया है, आराम मिला है। और जो मेरी जो प्रॉब्लम वात का प्रॉब्लम था, परेशानी थी, वो भी यहाँ पे आके अभी कम हो गई है। यहाँ का स्टाफ बहुत अच्छा है। सवेरे के 4 बजे से तो रात के 9 बजे तक यहाँ का स्टाफ हमारी बहुत मदद करता है, हेल्प। मुझे यहाँ पे शिरोधारा का थेरेपी बहुत ज़्यादा पसंद आया, और अभ्यंग मसाज जो करवा रहे थे वो भी बहुत अच्छे से हमारी करवा रहे थे, उस कारण हमें बहुत अच्छा महसूस हो रहा है यहाँ से, और यहाँ का वातावरण बहुत ज़्यादा ही प्रसन्न है। मैं चंद्रमोहन अरोड़ा जयपुर से आया हूँ ट्रीटमेंट लेने के लिए। मुझे यहाँ डॉक्टर्स ने अच्छी तरह देखा, डॉक्टर हर्षनी ने देखा था, उन्होंने काफ़ी सारा वो शेड्यूल हमारा फूड का बनाया, डाइट वगैरह का। उसके बाद दूसरे डॉक्टर ने देखा, जो उन्होंने दवाइयों के बारे में बताया। मेन प्रॉब्लम जो थी मेरे को, वो तो थी घुटनों में दर्द की थी और ये हाथ के अंदर दर्द की थी, जो कि अभी 6 दिन हमने स्टे करा है, उसमें हमारे को कुछ आराम मिला है, अबाउट 50% आराम मिला है। और आगे हम उम्मीद करते हैं कि उन्होंने जो बताए हैं तरीके, उसको हम फॉलो करेंगे तो शायद हमारे को और भी आराम मिले। थेरेपीज़ भी अच्छी थी और काफ़ी लोगों ने ढंग से काम करा। आपके जो स्टाफ है काफ़ी कोऑपरेटिव है, और पतंजलि आई विश के आगे और राइज करें और बहुत अच्छा काम करें। मैं राम आश्रय शुक्ला भोपाल से हूँ। मुझे डायबिटीज़ और लीवर प्रॉब्लम थी, जिसके ट्रीटमेंट के लिए मैं यहाँ आया था। यहाँ पर 7 दिन रहकर मेरे डायबिटीज़ में काफ़ी सुधार हुआ और वो नॉर्मल आ गई। यहाँ का स्टाफ बहुत पोलाइट, बहुत विनम्र है और हर जगह किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हुई। यहाँ पर आकर के मुझे क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए इसका पता चला। बेटर ये होता कि मैं पहले आया होता। मेरा नाम सुखवीर कौर है और मैं पंजाब से हूँ। मुझे अस्थमा थी और मुझे आए को 7 दिन हो गए यहाँ पे, और अब मुझे बहुत रिलीफ है अस्थमा से। मेरा वेट भी बढ़ गया, अब मैं बहुत अच्छा हूँ। मेरा नाम गीता सिंह है, मैं वेस्ट बंगाल से आई हूँ। मुझे 5 सालों से मेरे नी में प्रॉब्लम थी,
और मैंने एलोपैथिक इलाज करवाया इतने सालों से। यहाँ पतंजलि सेंटर में आने की प्रेरणा मुझे टीवी से मिली और यहाँ की दिनचर्या बहुत अच्छी रही। यहाँ की फिजियोथेरेपी और थेरेपी दोनों ही बहुत अच्छी है और यहाँ की सारी व्यवस्थाएं बहुत अच्छी है। मैं कृष्ण गोपाल अग्रवाल उत्तर प्रदेश राठ हमीरपुर का निवासी हूँ। मैं पतंजलि योग पीठ में 7 दिन से आया था। यहाँ पर बहुत ही अच्छी थेरेपी हुई। डॉक्टरों का स्वभाव भी बहुत अच्छा है। स्टाफ का भी सभी लोग विनम्र हैं और पूरा ध्यान रखते हैं। जो आवास की सुविधा दी गई है वो भी उत्तम है। यहाँ पर किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। जो घुटनों में दर्द था उसमें भी 50% आराम मिला है। वजन भी 2 किलो कम हुआ है। मैं पतंजलि पीठ और स्वामी रामदेव जी को श्रद्धा नमन करता हूँ। उनके द्वारा जो सुबह प्रातःकाल योग कराया जाता है उससे भी हम लोगों को फायदा हुआ है और घर जाकर हम इस पर अमल भी करेंगे। मेरा नाम काशी प्रसाद गुप्ता है। मैं राठ हमीरपुर उत्तर प्रदेश का निवासी हूँ। मैं यहाँ पर 16 तारीख को आया था। यहाँ की व्यवस्था और यहाँ के चिकित्सक और यहाँ के सहयोगी बहुत अच्छा व्यवहार करते हैं और उनसे हम लोग बहुत खुश हैं। चिकित्सा के बारे में अगर कहा जाए तो वास्तव में जो पद्धति आयुर्वेद की है उसका पूर्ण रूप से यहाँ पालन किया जाता है और जो चिकित्सा से धीरे धीरे व्यक्ति को आराम लगता है उसके लिए हम स्वामी रामदेव जी और यहाँ की पूरी यूनिट के बहुत बहुत आभारी हैं। और हमको भी यहाँ डायबिटीज़ में और जो हमारा वज़न भी घटा है 2 किलो, तो ये सब चीज़ें यहाँ पर रहने से हुई हैं। यहाँ की व्यवस्था बहुत अच्छी है। हम स्वामी रामदेव जी महाराज को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। उन्होंने ये इतना अपार विशाल ये खड़ा किया है ये और लोगों को इसका फ़ायदा मिल रहा है। मेरा नाम जयदेव गढ़वी है। मैं नॉर्थ गुजरात पाटन डिस्ट्रिक्ट से आया हूँ और मेरे साथ मेरे माता पिता भी आए हैं। तो मेरे फादर को हार्ट की प्रॉब्लम थी और मेरे मदर को आर्थराइटिस थी और मुझे भी ब्लड प्रेशर की कभी कभी शिकायत रहती थी। तो हम सब ने यहाँ के ट्रीटमेंट ली और बहुत ही अच्छा लगा। यहाँ आश्रम का वातावरण भी बहुत ही अच्छा था, पॉजिटिव एनर्जी देता था और ट्रीटमेंट भी अच्छी मिली। तो हम सभी को भी हमारी जो भी शिकायतें थी आरोग्य के लक्ष्य उसमें भी इम्प्रूवमेंट है। मेरा ब्लड प्रेशर भी नॉर्मल हो गया है। मेरा नाम बंसीलाल रेबारी है। बांसवाड़ा जिला राजस्थान से आया हूँ। मेरे को सर्वाइकल था, कमर में दर्द था, एक घुटने में दर्द था, माथा दुखता था। 7 दिन के अंदर 80% मुझे आराम हुआ। यहाँ का स्टाफ डॉक्टर साहब सभी व्यवस्थित हैं। हमें बिल्कुल फ्री हो गया, गर्दन ऐसे मुड़ता नहीं था, अभी ये क्लियर मुड़ने लग गया। अच्छा है, कुल मिलाकर हम खुश हैं। मेरा नाम सुष्मिता रॉय, मैं असम से आया। मेरा तो पहले यूटीएस ओवरी का प्रॉब्लम था, वो भी पूरा ठीक हो गया। वो तो 2004 में अभी पूरा एकदम ही ठीक हो गया। अभी थोड़ा मेरा वो आर्थराइटिस का प्रॉब्लम है और घुटनों का भी प्रॉब्लम है, उसके लिए आया। और मैं फरवरी महीने में आ गया एक बार, फिर दोबारा आया। अभी थोड़ा बहुत 50% फ़र्क आ गया। अब 10 दिन से फिर लिया, अभी बहुत आराम है। मेरा नाम सपन कुमार राय है। दिस इज़ माय सेकेंड विजिट। लास्ट टाइम फरवरी महीने में आया था। मेरा जो प्रॉब्लम है वो मैकुलर डिजेनरेशन। मैं लेफ्ट टाइम में तो हम ठीक से नहीं देख पाते हैं, लेकिन राइट टाइम में थोड़ा देख पाते हैं। तो फरवरी महीने से हम कंटिन्यू मेडिसिन किया, तो अभी पोजीशन जैसे है वो स्टेबल है। लेफ्ट आई का राइट आई का दोनों का स्टेबल पोजीशन है। इसका मेरा को पेशेंट, उसका नाम है अमिता देवनाथ। एक्चुअली उसका बॉडी डिसबैलेंस था, शरीर में चक्कर आता था, बहुत सारी प्रॉब्लम था। अभी यहाँ आने का ट्रीटमेंट लेने के बाद थोड़ा सा मतलब बहुत सारी सुधार आया। तो लेकिन रात में सोने का टाइम में जो एक प्रॉब्लम होता है उसका थोड़ा ये नहीं हुआ, बाकी जो बॉडी का बैलेंस वो तो आ गया। तो शायद तो मेडिसिन वगैरह लेके गया, घर में जाके ठीक हो जाएगा। मेरा नाम मुलखेड़े राजेंद्र लक्ष्मण राव है। मेरी प्रॉब्लम यह थी कि मैं 100 मीटर चल नहीं सकता था। L4 L5 स्लिप डिस्क था।
और ज़्यादा चलना ही हो नहीं सकता था मेरे से, और मेरी वाइफ को अपने घुटने में दर्द था, वो हर 2400 घंटे नी पैक लगा के काम करती थी। हमने सुना और बचपन से आयुर्वेदा में हमारा इंटरेस्ट था, इसलिए यहाँ पे आ गए। यहाँ आने के बाद ट्रीटमेंट ली, ये ट्रीटमेंट की जो थेरेपीज हैं, ये थेरेपीज की वैरायटी जो है ये इतनी अच्छी है, और वहाँ के पोलाइट जो स्टाफ हैं उनकी वजह से हमें यहाँ के 7 दिन कैसे बीत गए पता ही नहीं चला। जी तो करता है यहीं पे रह के पूरा समूल रोग का उच्चाटन करे, लेकिन कुछ मजबूरियाँ नौकरी की है, इसलिए हम बार बार आते रहेंगे। मैं महाराष्ट्र से आई हुई है, मेरा घुटनों में दर्द था, बहुत ही दर्द था, मैं 2-4 पाउल भी मैं चल नहीं सकती, पर ये 7 दिन में चल फिर रही सब कर रही हूँ। कोलेस्ट्रॉल का भी त्रास था, वो भी छूट गया। मेरा नाम अनुज कुमार शर्मा है, मैं झांसी उत्तर प्रदेश से हूँ। मैं यहाँ आने से पहले मेरा ट्राइग्लिसराइड 1000 के ऊपर था, मुझे डॉक्टर ने बोल दिया था थोड़ा सा कि प्रॉब्लम ज़्यादा क्रिटिकल है। उसके बाद मैंने यहाँ के बारे में सुना, पतंजलि योगपीठ में आया, 7 दिन में मेरा कोलेस्ट्रॉल 250 हो गया ट्राइग्लिसराइड, मतलब ये बहुत ही अचंभव वाली बात हुई। और मुझे यहाँ का वातावरण, यहाँ के लोग, डॉक्टर, थेरेपिस्ट सभी बहुत ज़्यादा सपोर्टिव हैं। लोगों से यही बोलना चाहूँगा कि जो भी मतलब यहाँ हर चीज़ की बीमारी का सफल इलाज है, यहाँ आइए और अपने मित्र परिवार जो भी है सबको भेजिएगा। मैं दीप्ति तिवारी भोपाल से आई हूँ। मैं यहाँ पर अपना डायबिटीज़ 2 था मुझे, उसको दिखाने के लिए और मुझे सजेस्ट किया था किसी ने, तो यहाँ आने पर मुझे बहुत फ़ायदा हुआ। मेरा 8.9 था आज से 6 मंथ पहले, 3 महीने वाला शुगर, और बीच में मैंने थोड़ा बहुत टीवी में सुन के फॉलो किया और मधुग्रीट वगैरह का सेवन किया, तो यहाँ जब मैं आई तो 7.2 निकला है मेरा, और मेरा जो यहाँ रेगुलर शुगर चेकअप हुआ उसमें बिल्कुल नॉर्मल आया। मैंने कोई भी बीच में जो मुझे पहले से डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब की थी मेटमॉर्फिन और पॉग्लीवॉस वो सब कुछ भी नहीं लिया यहाँ आके, केवल यहाँ जो रूटीन इन्होंने बताया था उसी को फॉलो किया, तो मुझे कुछ भी दोनों टाइम मेरा नॉर्मल शुगर है, और बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ की थेरेपी, यहाँ के सारे जितने भी जो इन लोग रूटीन में लिख के देते हैं वो सब फॉलो करने के बाद बहुत अच्छा फील होता है। यहाँ पे थोड़ा सा कहते हैं कि खाने डाइट कंट्रोल कराते हैं, पर उसके बाद भी कोई किसी तरह की कोई भी एनर्जी लेवल में कमी नहीं लगती है, और थेरेपी तो बहुत अच्छी है। और डिटॉक्स होने के लिए जैसे बॉडी पेन वगैरह जो मुझे थोड़ा बहुत होता था जिसे न्यूरोपैथी कहते हैं उसकी स्टार्टिंग थी, तो वो भी सब यहाँ पे ख़त्म हो गया। और मुझे लगता है कि यहाँ पे प्री डायबिटिक कभी हो और तभी आ जाने से बहुत जल्दी ये रिवर्स हो सकता है। डायबिटीज़ में मुझे बहुत अधिक फ़ायदा हुआ। मेरे साथ मेरा बेटा भी आया था, वो 16 इयर्स का है, उसका वज़न उसकी एज से थोड़ा ज़्यादा था, उसने यहाँ 4 दिन में 4 किलो वज़न कम किया है, और वो अपने उसके आँख के नंबर में भी उसे थोड़ा अच्छा लग रहा है कि उसे जो आँख की थोड़ी प्रॉब्लम थी उसमें भी रिलीफ। मेरा नाम अभिमन्यु यादव है, मैं मऊरानीपुर झांसी यूपी से आता हूँ। मुझे जुखाम रहता था सीजनल, और एलर्जी भी थी, और आलस भी बॉडी में रहता था, लेकिन मैं अपने दोस्त के साथ यहाँ आया वेलनेस सेंटर, और यहाँ पे जो 7 दिन की थेरेपीज करवाई उससे हमें बहुत रिलीफ मिली है। बॉडी में बिल्कुल एनर्जेटिक फील कर रहा हूँ, और जुखाम में भी आराम है, और मैं यहाँ बहुत यहाँ के जो भी लोग हैं थेरेपिस्ट डॉक्टर और सारे लोग बहुत सपोर्टिव। मैं यहाँ पतंजलि हरिद्वार में आकर के अपने आप को पूरी तरह से स्वस्थ पा रहा हूँ। जिस तरह मेरा पेन था, बैक पेन था, मसल्स जो भी कुछ प्रॉब्लम था, इतनी अभी अच्छी फील कर रहा हूँ 7 दिन में कि हमको लग ही नहीं रहा है कि हमको हमारे शरीर में कभी कोई दिक्कत थी। हर प्रकार से मैं एकदम अपने आप को फिट पा रहा हूँ, और यहाँ के जो व्यवस्था स्टाफ वगैरह से इतना मैं प्रसन्न पा रहा हूँ, हर तरह से खान पान हर चीज़ से लेकर के
कि मैं कुछ, मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं क्या बताऊं कि इतना मैं खुश हूं। और जाते जाते मैं इतना, और एक मैं अपनी पत्नी को भी साथ में लेके आई हूं, उसको एक किडनी की प्रॉब्लम थी, उनकी भी क्रिएटिनिन लेवल अभी तो टेस्ट नहीं करवाया, लेकिन उनको भी इतना जो उनको चलने को उठ नहीं पाती थी, लेकिन अभी आज वो 7 दिन में अपने आप को इतना फिटनेस महसूस कर रही है, इतना मतलब हर तरह से चलने फिरने की